लखनादौन के छपारा थाना अंतर्गत पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए जुआ खेलते कांग्रेसी नेता सहित 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से 2,42,970 रुपए नकद और 3 मोटरसाइकिल सहित 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। सिवनी जिले के छपारा थाना क्षेत्र में चल रहे काफी लंबे समय से जुआ का खेल, जिस पर छपारा पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था और जिस दिन कई लाखों का जुआ खेला जा रहा था उसी दिन क्यों थे थाना प्रभारी छुट्टी पर, जिस पर और प्रश्न चिन्ह छपारा पुलिस पर लगते दिखाई दिए। हालांकि छपारा थाना अंतर्गत पुलिस ने ग्राम चंदेनी से जुआ खेलते कांग्रेसी नेता सहित 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लखनादौन SGOP ने बताया कि आरोपियों के पास से 2,42,970 नकद और 3 मोटरसाइकिल और 12 मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चंदेनी के खेतों में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले में जुआ सट्टा माफिया के विरुद्ध जो है अभियान चलाया जा रहा है विशेष रूप से। इस अभियान के तहत कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना छपारा के चंदेनी गांव में रात में काफ़ी लोग एकत्र होकर और जुआ खेलते। इस सूचना पर पुलिस बल, जिसमें सिवनी से भी बल आया हुआ था, थाना प्रभारी बंडोल थे, दुर्गेश आर्मो DSP साहब थे और लखनवाड़ा के थाना प्रभारी थे, थाना छपारा का स्टाफ था, सभी ने मिलकर दबिश दी और दबिश देने पे मौके पे कुल 14 आरोपी जो है पकड़े गए। उनके पास जो जुआ खेलते हुए पास के पत्ते वगैरह मिले, एक इमरजेंसी लाइट में एक की रोशनी में खेल रहे थे और उनके पास कुल 2,42,970 रुपए जब्त किए गए। एक लेन नहीं बरामद हुई है, 1,80,000 उसकी कीमत है और 12 मोबाइल सेट बरामद हुए हैं, जिसमें 10 एंड्राइड मोबाइल हैं, 8 एंड्राइड मोबाइल हैं और 4 कीपैड मोबाइल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।